आहे ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटच्या 100% मोजणीसाठीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं मोठा निकाल दिलेला. या संदर्भातल्या सर्व याचिका और या नहीं तो उसको जो स्लिप जो प्रिंट होती है वोटर के हाथ में देकर और उसको उसमें बैलेट बॉक्स में डालकर और उसकी काउंटिंग कर लीजिए. सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगे को ठुकरा दिया है और ये बोला है कि अच्छा इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे कि सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम वो डाल दें मार्क उस पर मार्क डाल दें जो जिसको बार कोड जिसको कहते हैं बार कोड डाल दें तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं इसको एग्जामिन करें. और दूसरा उन्होंने ये बोला है कि सिंबल लोडिंग यूनिट जो होती है जिससे सिंबल लोडिंग कंस्टिट्यूएंसी बाय कंस्टिट्यूएंसी करी जाती है उसको कम से कम 45 दिन तक चुनाव सील करके रखा जाए और चुनाव के बाद कम से कम 45 दिन तक रखा जाए जिससे कि अगर कोई इलेक्शन पिटिशन फाइल होती है कोई उसकी कोर्ट मांग करता है तो उसको देखा जा सके. तीसरी बात उन्होंने ये बोली है कि जो इसमें इलेक्शन कमीशन ने बोला कि नहीं इसमें जो मेमोरी होती है वो तो चिप में बर्नड होती है और तो कोर्ट ने ये बोला है कि जो भी बर्नड मेमोरी है उसमें 5 हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में 5 वीवीपैट सॉरी ईवीएम यूनिट्स की बर्नड मेमोरी को एग्जामिन करने का नंबर 2 या नंबर 3 कैंडिडेट दरखास्त दे सकता है और उसको फिर एक टेक्निकल टीम एग्जामिन करेगी लेकिन उसका खर्चा उस कैंडिडेट को देना होगा जो उसकी मांग करता है. ये कह के उन्होंने ये सारी पिटिशन डिस्पोज ऑफ कर दी. प्रशांत सर चूंकि अभी चुनाव चल रहे हैं और अभी 7 चरण का चुनाव है इंग्लिश में हम बोल देते हैं. सो टुडे द सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड इट्स जजमेंट ऑन ईवीएम एंड वीवीपैट. आवर डिमांड वॉज दैट बिकॉज द ईवीएम्स हैव अ प्रोग्रामेबल मेमोरी एंड देयरफॉर